इन तीनों प्राणायाम पे कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जिन बच्चों का श्वास चलता है हाँ उन लोगों को क्या भस्त्रिका एज ए थेरेप्यूटिक एंगल से धीरे धीरे कराना चाहिए? बिल्कुल, धीरे धीरे। जैसे अब चूंकि बच्चे बच्चों की एज आपने निश्चित नहीं किया, बताया नहीं, अगर वो बहुत छोटे हैं, अंडर 10 हैं, तो उन्हें विद सपोर्ट कराना चाहिए। जैसे सांस चलता है तो आप ऐसे कराओ, ये वाला प्राणायाम कराओ जो भस्त्रिका का ही पार्ट है, लेकिन हैंड्स के साथ आपने सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये वाला कराओ। वैसे मत कराओ, स्लो स्पीड में कराओ और धीरे धीरे अंदर, और मेंटेन कराओ इक्वल इनहेल और एक्सहेल की स्पीड मेंटेन रहे। इसको कराया जा सकता है 2-3 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ इसको, टाइमिंग बढ़ाओ और होल्डिंग के साथ होना चाहिए। हेलो सर, मैं पूछना चाहती हूँ हाँ कि डेली रूटीन में हम एक लाइफ स्टाइल के लिए प्राणायाम किस ऑर्डर में और कैसे करना चाहिए? अगर आप देखें तो सबसे पहला कपालभाति, उसका बड़ा भाई अग्निसार, फिर उसका सबसे बड़ा भाई भस्त्रिका, ये तीनों ऑर्डर में होना चाहिए। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हैं, ध्यान दो, ये सारे तीनों डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हैं तीनों प्राणायाम। फिर इसके बाद जो ऑर्डर होगा वो नेक्स्ट ऑर्डर है, लेट करके बैठ करके जो एब्डोमेन की ब्रीदिंग, चेस्ट की ब्रीदिंग, वो सब हम आपको एनर्जी वाले या वो प्राणायाम बताए जाएंगे जो आपकी स्टेमिना को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को नहीं। ये तीनों प्राणायाम स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, स्टेमिना नहीं बढ़ाते, क्योंकि ये हीट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हाइपर हैं। तो इन्हें ज़्यादा मत करो, थोड़े थोड़े करो, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, ऐसे करके 7-8 मिनट या 10 मिनट निकाल दो। फिर इसके बाद और प्राणायाम ऑर्डर में करेंगे जो हम बताएंगे। सर, कपालभाति आपने बताया, वो तो मैंने समझ लिया अच्छी तरह। हाँ और मैं एसिडिटी का बहुत बड़ा फेस करी है प्रॉब्लम, कपालभाति करता था और बहुत बुरी तरह एंटी एसिड खानी पड़ती थी, वो तो मैं आपकी कंसेप्ट समझ गया, हाँ उसके हाँ लिए थैंक यू। बिल्कुल अब क्या है कि 65 साल की उम्र है मेरी और डायबिटीज 20 साल हाँ से, तो कपालभाति का जो कंसेप्ट है वो आपका गले से वो पूरा मैं अंडरस्टैंड कर लिया, कोई 3 साल से मैं स्पिरिचुअल का थोड़ा सा समझ रहा हूँ, इसलिए आपकी एक एक बात समझ गया। अब अच्छा, बिल्कुल मेरा ये डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी, तो कपालभाति अगर मैं करूँ, कुछ साइनस का भी रहता है, थोड़ा कोल्ड कफ भी रहता है, हाँ तो कपालभाति को करना एडवाइजेबल है 2-3 मिनट या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन था। अगर आप मेरा सजेशन लेना चाह रहे हैं अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, तो मैं चाहूंगा कि इस कपालभाति में स्टमक का यूज करने के बजाय चेस्ट को यूज कर लें। जैसे मतलब स्टमक को स्क्वीज करना, जैसे नॉर्मली आप जब कपालभाति कर रहे होते हैं, स्ट्रोक मार रहे होते हैं, तो आप स्टमक का सपोर्ट इन करके लेते हैं, राइट? लेकिन आप चेस्ट को इन करके ले लीजिए और स्लो रिदम पे लीजिए, जबरदस्त फायदा होगा, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी और मेडिटेटिव वे में बढ़ जाएंगे, 2-3 मिनट एडवाइजेबल है। लेकिन साथ साथ एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारी ब्रीदिंग का और पैटर्न है, कपाल भांति से लाख गुना वो आपको लिए मैं एडवाइस करूंगा कि उसको ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, राइट? सर, वंदना बात कर रही हूँ, हाँ एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। एक्चुअली मेरा एंग्जायटी एंड स्ट्रेस का ही है और उसके चलते अभी मुझे एंग्जायटी, ओवर थिंकिंग, मेंटल चैटरिंग है, दिमाग का पिछला हिस्सा मेरा बहुत तनाव हुआ और स्ट्रेस रहता है, और मुझे अब ना लाइक साइनस बताया है और नाक में दोनों साइड पे मास भी बढ़ा हुआ है, और इन सब के चलते एसिडिटी और अंदर गल कॉन्स्टिपेशन ये सब भी है, तो अभी थोड़ा डाइट भी चेंज करा तो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ है, तो अब मुझे सुनकर तो ये लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए, पर ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी, मतलब मेरे जो ऊपरी हिस्से में जो वाटर कंटेंट ज्यादा है उसके लिए भी यही काम करेगा। देखो, हमारा नेचर एंग्जियस है, ओवर थिंकिंग है, तो एंग्जियस और ओवर थिंकिंग के नेचर में ऑलरेडी हम स्क्वीज करते हैं अपनी ब्रीद को, अपनी लंग्स को, तो
तो लंग्स और एब्डोमिन चेस्ट स्क्वीज ऑल द टाइम, स्क्वीज मोड पे होता है, मतलब श्रिंक कर रहे होते हैं, और चूंकि यहाँ से सोच रहे होते हैं और स्क्वीज कर रहे होते हैं, राइट। द सेम टाइम अगर आप प्राणायाम में कपालभाति से स्क्वीज करोगे, जर्क मारोगे, तो आपको लाभ नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर सोच करके आप जर्क मार रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो, पिचका रहे हो सब कुछ, और यहाँ जानबूझ करके कर रहे हो, फिजिकल स्क्वीजिंग कर रहे हो। जबकि आपको ये चाहिए, को या हम सभी को ये चाहिए कि अगर हम, मान लो हम थक रहे हैं बोल बोल के, तो हम एक ऐसी एक्टिविटी करें, बोलने का ऐसा रिदम पालें, ऐसा रिदम यूज़ करें जो बोलते समय रिलैक्सेशन दे, न कि बोलते समय स्ट्रेस दे। क्योंकि बोलने में, फड़फड़ाने में, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए प्रीचर, हम पूरा थका रहे हैं सिस्टम को, ब्रेन को। तो अगर हम एक में स्ट्रेस दे रहे हैं ओवर थिंकिंग करके अपनी ब्रीद आउट में, एब्डोमेन को, चेस्ट को, और आप दूसरे में भी स्ट्रेस दे रहे हैं प्राणायाम के थ्रू, तो लाभ कहाँ से मिलेगा? तो आप क्या करें, आप अपने एक्सहेलेशन को लूज छोड़ें, रेदर देन फोर्स के, रेदर देन उसको खींच खाँच के एकदम मार ही देंगे वो करने के, नहीं, उसको खींचो मत, उसको लूज छोड़ दो, एक्सहेलेशन को, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो मैं दूसरे में बताऊंगा, जो मैं एब्डोमेन के एरिया में बताऊंगा, ये जो सारी ब्रीदिंग और एक्स्ट्रा ब्रीदिंग जो हम करेंगे उसमें बताऊंगा कि एक्सहेलेशन को कैसे एफर्टलेस डालें। क्यों? क्योंकि एक्सहेलेशन आपका बहुत स्ट्रेसफुल है, तो एक्सहेलेशन को कैसे हम स्ट्रेस फ्री कर दें। जबकि कपालभाति में, भस्त्रिका में और अग्निसार दोनों में एक्सहेलेशन में रिलैक्सेशन नहीं। मेरा अनुभव है, लगभग 36-37 सालों का तो अनुभव है ही है, और मैं कंप्लीट ग्रोथ नहीं कर पाया तब तक जब तक एक्सहेलेशन पर हमारी मास्टरी नहीं हुई, और 12-15 सालों तक झेलता रहा। एक से एक टेक्निक मैंने यूज़ किया और अप्लाई किया, पर वो फुल सक्सेस नहीं थी। यद्यपि वो सक्सेसफुल रही है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन जिस लेवल पर मैं अपने को पहुंचाना चाह रहा था वो नहीं हुआ। और आज 6 महीने से एक एक्सहेलेशन होती है और केवल 1 एक्सहेलेशन कंप्लीट एफर्टलेस होती है। इतना लूज छोड़ते हैं कि ड्यूरिंग दैट एक्सहेलेशन हम सो जाते हैं, छोड़ देते हैं बॉडी, माइंड बॉडी को डिस्कनेक्ट कर जाता है। अगर हम एक्सहेलेशन को बहुत स्ट्रेस देंगे तो इसका मतलब हम बॉडी को पकड़े हुए हैं और पकड़े हुए हैं, जबकि हीलिंग में बॉडी को छोड़ना है, बॉडी से साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट करनी है, सेपरेशन करनी है। लाइक सोना, आप सेपरेशन करते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा पावरफुल होगा रेदर देन दिस। लेकिन अगेन, एक फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन होनी चाहिए, जो 2-2, 3-3 मिनट करके देखें। अगर वो अप्लाई हो जाता है ये तीनों, तो अच्छा है, नहीं तो अपने पास बहुत सारी टेक्निक है, क्या दिक्कत है। हम अपने एक्सपेरिमेंटेशन पर ध्यान दें, बहुत टेक्निक से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हठ योगियों में एक प्रॉब्लम थी, वो टेक्निक से बहुत अटैच हो जाते थे, गलत या सही हम नहीं देखेंगे, बट बहुत टेक्निक से अटैच नहीं हो, टेक्निक को यूटिलाइज करो, सेपरेट कर लो, तभी तो आप नींद में जाते हो। आप टेक्निक को अगर अप्लाई किए रखोगे तो आप नींद में जाओगे कैसे, क्योंकि टेक्निक को ही पकड़ लिया और टेक्निक आपको पकड़ लिया हुआ है, तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, नर्व्स खत्म हो गई, नर्व्स को ऑलरेडी स्ट्रेस हो गया, तो वो ना करें।